फ्रेंड्स वेलकम टू उपासनास किचन। आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ दाल तड़का की रेसिपी। बहुत सिंपल है और बहुत टेस्टी बनता है। इसको हम बनाना देखते हैं कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा घी गरम कर लिया है। घी जैसे ही गरम हो जाए तो आप थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स डालिए। जब वो स्प्लटर हो जाएंगे तो इसमें हरी मिर्ची काट के डालिए और एक मैंने इसमें टमाटर काट के बारीक डाला हुआ है जिसे कि हम सॉटे करेंगे। और तब तक सॉटे करते रहेंगे जब तक कि ये अच्छी तरीके से मैशी नहीं हो जाते हैं, इनका जूस बाहर नहीं आ जाता है। दाल मैंने अलग से बना कर रखी है जिसमें कि मैंने हल्दी और नमक पहले से डाला हुआ है। ये देखिए मैंने ढक कर पकाया है इसको जिससे कि जल्दी पक जाते हैं। ये देखिए इसको दबाने से ये मैशी हो रहा है। अब इस स्टेज में हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है तो डालिए, अगर आप बहुत सादा खाना पसंद करते हैं तो मत डालिए। थोड़ा और सॉटे किया। अब इसमें मैं दाल जो बनी हुई है उसे मिक्स कर दूंगी। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे। अगर ये थोड़ा गाढ़ा दिख रहा है और थोड़ा हमें पतला चाहिए तो थोड़ा सा वार्म वाटर मिला दीजिए। प्रेफर करिए कि वार्म वाटर ही मिलाएं पकी हुई दाल में। और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देते हैं। और एक बॉईल पे लाएंगे और हम गैस को फिर बंद कर देंगे। दाल ऑलमोस्ट रेडी है। दाल तड़का इतना कंफर्ट फूड होता है कि आप इसको किसी भी समय, अगर कुछ भी नहीं है तो आप एक अच्छी सी दाल तड़का बनाइए और इसको आप राइस के साथ या रोटी के साथ और कोई अगर सूखी सब्जी उसके साथ खा लीजिए, और कुछ चाहिए ही नहीं फिर। ये देखिए ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी। कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही टेस्टी दाल बनती है विद वेरी लेस इंग्रेडिएंट्स। ये देखिए मैंने इसको प्लेटिंग कर दिया है और ये खाने के लिए, टेस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है गर्मा गर्म दाल तड़का। दोस्तों मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मुझे फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जो कि लिंक्स मैंने एंड में दिए हुए हैं। आप आते रहें वापस मेरे चैनल पर और नई नई रेसिपीज़ के लिए। और मैं भी कोशिश करती रहती हूँ कि मैं क्या नया नया डालूँ और सबके साथ शेयर करूँ। देखते रहिए और फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।